कांग्रेस के एआईसीसी के नेता अल्पेश पुरोहित ने किया सीहोर जिले की आष्टा तहसील में भ्रमण। ग्रामीणों से वादा किया कि पंजे से हाथ मिला ले, फिर से एक नए स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे और देश प्रदेश को भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। इसी के साथ सारी जनता मध्य प्रदेश में मेरा प्रदेश सुंदर प्रदेश पे जा रही है, जो इन लोगों ने मैला प्रदेश किया है, अब इन्हें वोटों से धोके निकाला जाएगा और फिर से मेरा प्रदेश लोकशाही प्रदेश बनाया जाएगा। सर, भाजपा जो बीजेपी सरकार है, इनके लिए क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की बात नहीं। ये लोग आए थे 15 लाख देंगे, ये लोग आए थे विकास करेंगे, ये लोग आए थे शांति देंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश का बंटवारा किया, अंग्रेज नीति वाले, हिटलर शाही की विचारधारा रखने वाले, भाई भाई को लड़ाते, धर्मवाद पे, जातिवाद पे, प्रांतवाद पे इन लोगों ने देश का बंटवारा किया है। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा बेरोजगार है, छात्र परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानें आत्महत्या कर रही है और अंग्रेज नीति की तरह किसानों पे गोलियां चलाई जा रही है। ये भाजपा सरकार नहीं, ये भ्रष्ट सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है और उसे नाबूद करने के लिए कांग्रेस हाथ उठाएगा और सारे मध्य प्रदेश के किसान, युवा, छात्र, महिलाएं और सारे मध्य प्रदेश वासी हाथ से हाथ मिला के हाथ के पंजे को लोकशाही के लिए इस बार जरूर विजय बनाएंगे। आष्टा से राजपाल बोराड़ा की रिपोर्ट।